बिहार में नई सरकार बनी है और पहले ही दिन बिहार के कई मंत्रियों पर दाग लग चुका है। दरअसल बिहार सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री दागी हैं, ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है। दरअसल जैसे ही सरकार बनी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें कानून मंत्री के ऊपर वारंट जारी हो गया, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी काफी हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहना है कि सबूत लाइए और सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सबूत के आधार पर ही, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होती है, किसी के कहने से कार्रवाई नहीं हो जाएगी। भाई वीरेंद्र राजद के प्रवक्ता ने यह बयान दिया, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भाजपा के प्रवक्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब भाजपा के द्वारा जब पहले ही दिन सरकार पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं, मतलब साफ है कि ये सरकार भ्रष्टाचार और बाकी अन्य मुद्दों से घिरी रहेगी। खास तौर पे नीतीश कुमार जिस मसले को लेकर, जिस मामले को लेकर साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं, वो मामला राष्ट्रीय जनता दल के अंदर नहीं है। कल ही सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट किया था कि राजद के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा जो विधायक हैं, माफ कीजिएगा, मंत्री हैं, वो सभी दागी हैं, भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो सरकार बनाई है वो सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, और इस तरीके के दागी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, बिहार की जनता देख रही है। बिहार में राजद और जदयू का जो समाजवाद है वह एक प्रकार से साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया है। साम्राज्य किसका? तो अपराध का। साम्राज्य किसका? तो परिवारों का। साम्राज्य किसका? तो भ्रष्टाचार का। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चलने वाली यह सरकार, जिसके डिप्टी सीएम पर ही अपराधों के, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं, उसने अपने मुख्यमंत्री के पांव के नीचे, उनके आंखों के सामने बिहार के बड़े बड़े अपराधियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिलाया, उनको शपथ दिलाई। इस सरकार में कार्तिकेय सिंह, ललित यादव, रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल ने इस सरकार में शपथ ले रखी है। और यह दुखद स्थिति है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता ने सुशासन के लिए नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था, और आज नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से उस मैंडेट को कुशासन में परिवर्तित कर दिया है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार जी अब जनता के सामने जब जाएंगे तो अपनी आंखें उनसे कैसे मिलाएंगे। इन बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, इन बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को जिस प्रकार से इस सरकार ने प्रश्रय दे रखा है, आने वाले समय में जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी, तो इनको आंख छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में, अपने नेतृत्व के सहारे सड़क से लेकर विधानसभा में, कागजों पर, सब जगह पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2025 में एक प्रकार से संपूर्ण क्रांति जिस प्रकार से बिहार में सफल हुआ, देश भर में सफल हुआ, उसी प्रकार से बिहार में वापस संपूर्ण क्रांति करके हम लोग बिहार की जनता को मथेंगे, और 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष के सत्ता पर वापस से स्थापित करेंगे। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।